चैनल आइकन गर्ल डॉल। तो आज है नवरात्रा का फर्स्ट डे है और मॉर्निंग का बज रहे 6। तो मैं अब रेडी होऊंगी नवरात्रा के लिए, वो सब कुछ आपको दिखेगा। और मैं माता रानी के लिए कैसे सजाती हूँ, चौकी कैसे रेडी करती हूँ, कैसे डेकोरेट करती हूँ, वो सब कुछ दिखेगा आपको। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का लुक मेरा कैसा लगा। और आप लोग को हमारी तरफ से नवरात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे माता की चौकी मैं रेडी कर चुकी थी और फूल तो बस सिंपल सा मैं डेकोरेट की थी वॉल में लगा कर। और मैंने यहाँ पे एक बैंगल से चुन्नी को टैग कर दी थी और यहाँ पे रेडी है माता की चौकी। देन उसके बाद मैंने सोची दो साड़ी में मुझे बहुत कंफ्यूजन था मैं क्या पहनूँ। जो भी मैं साड़ी पहनी हूँ वो आप लोगों को दिख गया दिखा ही होगा। और देन उसके बाद ज्वेलरी थी मेरी ब्राइडल ज्वेलरी थी, उसमें से मैं एक लॉन्ग वाला ज्वेलरी में पहनी थी। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लुक कैसा लग रहा था। और देन मैंने यहाँ पे पूजा का सामान सब मैं यहाँ पे ला के एक जगह रखी थी, बिकॉज पूजा में बहुत सारे सामान हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने एक जगह अरेंज की थी। देन उसके बाद मैं दिया जला रही थी ऑयल डालकर, ऑयल या फिर घी आप डाल सकते हैं। मेरे पास ऑयल मंगवाई थी तो ऑयल था मेरे पास। फिर माता की चुन्नी देखकर मैं काफ़ी खुश हो गई थी, बहुत ही अच्छा चुन्नी तो वैसे सारे अच्छे होते हैं। तो माता को मैंने यहाँ पे गंगा स्नान करवा रही थी गंगा जल से, गणेश जी को और गौरी माता को और दुर्गा माता को मैंने स्नान करवाई। फिर मैंने चुन्नी को उनको अच्छे से मैंने उड़ा दी थी। देन मैं फूल की माला चढ़ाई थी, मैंने टीका और उड़ी मैंने उन्हें फूल चढ़ाई थी जो पूजा में सामग्री होता है। फिर मैंने धुरवा गणेश जी को मैं चढ़ाई थी, वो बहुत शुभ माना जाता है इसलिए मैंने चढ़ाई थी। और फिर मैंने यहाँ पे 16 श्रृंगार माला सब कुछ मैंने यहाँ पे पूजा में जो दिया जाता है, और उड़ उड़ का फूल जो कि देवी माता का बहुत श्रृंगार माना जाता है, वो बहुत खुश और प्रसन्न हो जाते हैं उड़ उड़ का फूल दुर्गा माता को चढ़ाने से। तो इसीलिए मैंने वो मिल नहीं रहा था बहुत मुश्किल से। आप देख सकते हैं कितना भव्य लग रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारी बहुत सुंदर लग रही थी दुर्गा माता। और मैंने यहाँ पे प्रसाद उन्हें चढ़ाई थी, दिया जलाई थी, श्रृंगार चढ़ाई थी मैंने, सुहाग का जो भी श्रृंगार होता है मैंने वो चढ़ाई थी, सिंदूर बिंदी सारा सब कुछ मैंने क्षमा प्रार्थना की थी। देन उसके बाद मैंने आरती की थी और मेरे हस्बैंड जी आरती कर रहे थे और मैं किताब पढ़ रही थी। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को और इसी तरह का प्यार दीजिए वीडियो में, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।